खतरे में इमरान खान की कुर्सी, बेटी के पिता होने की बात छुपाने का आरोप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को अयोग्य करार देने की मांग की गई है। इस याचिका में इमरान खान पर ईमानदार और धर्मपरायण नहीं होने के साथ ही साल 2018 के आम चुनाव के नामांकन पत्र में एक बेटी का पिता होने की बात छिपाने का आरोप लगाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तानी कोर्ट इमरान खान को अयोग्य करार देने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में दलील दी गई है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 का उल्लंघन किया है, लिहाजा उनको अयोग्य घोषित किया जाए। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 में संसद सदस्य के लिए सादिक और अमीन, ईमानदार और धर्मपरायण होने की शर्त लगाई गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक याचिका में अना लुइसा सीता वाइट की बेटी टायरिन जेठान वाइट को इमरान खान की बेटी बताया गया है। इमरान खान ने साल 2018 के आम चुनाव में अपने नामांकन पत्र में टायरिन जेड खान वाइट के कथित पिता होने की बात छिपाई थी। सीता वाइट को इमरान खान की पूर्व गर्ल फ्रेंड बताया जा रहा है। इसको लेकर पहले भी कई बार इमरान खान से सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन उन्होंने इस पर कभी कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा सीता वाइट ने भी अपनी बेटी टायरिन जेड खान वाइट को इमरान खान का बायोलॉजिकल पिता बताया था। सीता वाइट रईस कारोबारी लॉर्ड गॉर्डन वाइट की बेटी हैं, हालांकि अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। बताया जा रहा है कि लॉर्ड गॉर्डन वाइट ने कहा था कि अगर उनकी बेटी सीता वाइट ने इमरान खान से शादी की तो उसको वो अपनी संपत्ति से एक पैसा भी नहीं देंगे। इसके बाद इमरान खान और सीता वाइट की शादी नहीं हो पाई थी। शनिवार को लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दायर इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में 11 मार्च को सुनवाई होगी। इससे पहले भी इमरान खान के लिए टायरिन जेड खान वाइट को लेकर याचिका दाखिल की जा चुकी है। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। अब इमरान खान के खिलाफ नई याचिका उस समय दाखिल की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 280 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। भारत की इस कार्यवाही के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसको भारतीय वायुसेना ने विफल कर दिया था। साथ ही पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार्च गिराया था।